तो हम चर्चा देखो यहाँ पर संयोजी उत्तर जो होता है, संयोज में होता है बच्चे जोड़ना, क्या जोड़ना यानी ऐड करना, ऐड करना संयोज में होता है बच्चे जोड़ना, ठीक है। इसी प्रकार संयोजी उत्तर जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। यह हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऊतक, यह हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऊतक पाने वाला कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू यानी क्या? संयोजी ऊतक। देखिए बच्चे इसका कार्य जो होता है बच्चे वो जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। जैसे होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ना, मसल्स को हड्डी से जोड़ना, ठीक है। उसी प्रकार अभी हम आपको समझा रहे हैं जो संयोजी ऊतक बच्चे, जो संयोजी ऊतक है ना ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल संयोजी ऊतक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आपका होता है सघन संयोजी ऊतक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर हम देखेंगे विरल संयोजी ऊतक जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत दो आ जाते हैं। एक होता है कार्टिलेज, यहाँ पर उपास्थि लिखना है, अस्थि लिखा गया है फिर भी उपास्थि। बच्चे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी विरल संयोजी ऊतक है यह कितने पार्ट में? टू पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है क्या? कार्टिलेज। कार्टिलेज मीन्स क्या होता है? उपास्थि। क्या? उपास्थि। एक होता अस्थि एक होता उपास्थि। जैसे अस्थि जो होता है हार्ड चीज होता है, सबसे मतलब सबसे अच्छा या कह सकते हैं जैसे हो गया कोई क्लास हुआ उसको कहेंगे क्लास, और जो उससे छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे? सब क्लास, मतलब उप है, मतलब वैसा तो नहीं मगर उससे हल्का से निचला उसी लेवल में है। उसी प्रकार देखिए बच्चे जो कार्टिलेज होता है इसको हम कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं? उपास्थि। और बोन को क्या कहते हैं? अस्थि। बोन को अस्थि और कार्टिलेज को उपास्थि। जो कार्टिलेज होता है बच्चे वो सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है, वह भी एक प्रकार की हड्डी है मगर मुलायम हड्डी है, ठीक है। तो कार्टिलेज उसको इसीलिए मुलायम होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं? उपास्थि, कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। वो हड्डी का ही पार्ट है। देखो बच्चे आगे यह जो कार्टिलेज होता है यह मुलायम हड्डी है। कैसा है? मुलायम हड्डी यानी सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट बोन, ठीक है। ये देखो जो कार्टिलेज होता है बच्चे पाया कहाँ कहाँ जाता है, लगभग एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक कान देख रहे, कान के पिन्ना में पाया जाता है, ठीक है। नाक के ऊपर यहाँ, ये सब क्या है? कार्टिलेज। इसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये है नाक के ऊपर ही जगह, ठीक है। अब बच्चे देखो दूसरा पार्ट जो होता है विरल संयोजी ऊतक का क्या होता है? ब्लड। ब्लड मीन्स क्या होता है बच्चे? ब्लड नहीं, जुनून दौड़ रहा है। ब्लड मीन्स क्या? ब्लड मीन्स होता है बच्चे रक्त होता है, या उसे खून कह सकते हैं या उसको लहू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो होता है बच्चे यहाँ पर देखो ब्लड भी दो प्रकार में विभाजित हो गया है। एक होता है जैसे कि एक होता है तरल, ये क्या होता है? तरल। देखो जो ब्लड होते हैं उसमें बच्चे 55% क्या पाए जाते हैं? एक प्लाज्मा पाए जाती है, थोड़ा सा क्या होती है? ठोस प्रकार की होती है, इनकी गुड़ जो होती है ठोस प्रकार का होता है। और उसके बाद बच्चे जो दूसरा प्रकार है ये 45% पाए जाते हैं, ये क्या है? कोशिकाएं होती है बच्चे। इसको क्या कहते हैं? ये कोशिकाएं जो होती है ये सॉफ्ट होती है मेरे बच्चे, यानी क्या होती है? इसको हम कह सकते हैं द्रवावस्था, लगभग द्रवावस्था, द्रवावस्था होती नहीं, लगभग द्रवावस्था हम कह सकते हैं बच्चे। आगे देखिए जो 45% होता है इसमें हो जाता है RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका संयोजी ऊतक। इतने इसको जरूर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोजी ऊतक जो बच्चे वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार बच्चे देखेंगे हमने
बात कर लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी क्या होगा बच्चे, सघन संयोजी ऊतक। देखो सघन संयोजी ऊतक जो होते हैं बच्चे, इसमें तो मुख्यतः दो तीन कार्य होते हैं, एक पहला होता है लिगामेंट, दूसरा होता है टेंडन, तीसरा होता है क्या बोन। ठीक है, लिगामेंट जो होता है बच्चे वो हड्डी को एक हड्डी से दूसरे हड्डी क्या करता है आपस में जोड़ता है। अगर सर हड्डी हड्डी में जुड़ जाती है, हाँ बच्चे हड्डी हड्डी में जुड़ जाती है, जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है जब उसका बोन होता है क्या होता है उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है करीबन 300 के आसपास, तो वयस्क अवस्था तक आते आते वह जुड़कर 206 के आसपास हो जाती है। तो बच्चे को क्या होती है अगर जुड़ती नहीं तो बताओ 300 से कैसे 206 हो जाती क्या, नहीं हो पाती। इसी कारण बच्चे क्या होता है लिगामेंट जो है एक कार्य करता है किसको, बोन प्लस बोन अर्थात हड्डी को एक हड्डी से दूसरी हड्डी को क्या करती है जोड़ने का कार्य करती है। उसी प्रकार देखो बच्चे टेंडम दूसरा इसका भाग है, टेंडम जो होता है वो मसल्स को बोन को आपस में क्या करता है जोड़ता है, मतलब कुछ मसल्स कुछ बोन को आपस में क्या कर देता है ऐड कर देता है बच्चे, जोड़ देता है, संयोग कर देता है, कनेक्ट कर देता है। ठीक है बच्चे, मसल्स में आप जानते होंगे मांसपेशियां और बोन में क्या होता है हड्डी। बच्चे हड्डी और मांसपेशी को आपस में क्या करती है बच्चे जोड़ देती है, और बोन जो होता है ये जो सघन संयोजी होता है बच्चे वो बोन को मजबूत करने भी सहायक होती है। आप देखो बच्चे पेशी ऊतक के बारे में देखेंगे, पेशी ऊतक जो होता है बच्चे यह लगभग तीन प्रकार का मुख्यतः माना जाता है, पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स, तीसरा क्या है कार्डियक मसल्स। यानी स्केलेटल में होता है बच्चे कंकाल पेशी या इसको रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। उसी प्रकार जो होता है स्मूथ मसल्स यानी मतलब क्या चिकनी पेशी, और तीसरा क्या होता है कार्डियक पेशी, कार्डियक में क्या होता है हृदय पेशी, क्या हृदय पेशी। ठीक है, तो देखिए बच्चे हम कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज हम आपको बता चुके हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे उपास्थि कहते हैं। यह हड्डी होता है बच्चे, पर हड्डी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पर ये भी हड्डी का ही भाग है, बस अंतर इतना है कि यह सॉफ्ट होता है वह क्या होता है हार्ड होता है, इसका नाम इसलिए कार्टिलेज पड़ गया, उसका नाम क्या है बोन होता है, इसको सब बोन भी कह सकते हैं। ठीक है, सब बोन कहते ही हैं इसको, मान लीजिए कार्टिलेज होता है बच्चे वो सॉफ्ट होता है यानी क्या होता है मुलायम होता है, और यह मैट्रिक्स को क्या करता है ले जाने का मतलब वो परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे वसा ऊतक क्या होता है, स्टोरेज फैट यानी क्या करता है बच्चे वसा को आपस में क्या करता है वह जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है उसी प्रकार को क्या करता है इकट्ठा करके रखता है, कौन बच्चे बताओ कौन, जो ये है कौन फैट यानी क्या वसा, और टिश्यू में क्या होता है बच्चे ऊतक, मतलब वसा ऊतक वह होता है जो वसा को क्या करता है बच्चे संचित यानी क्या स्टोरेज यानी इकट्ठा करके वह क्या करता है रखता है बच्चे। ठीक है, और दूसरा इसमें कंडीशन है इसके जो वसा ऊतक होते हैं, जब ऊतक है जैसी बात है उनमें ढेर सारे सेल होंगी कोशिकाएं होंगी, इनकी जो कोशिकाओं को एडिपोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं एडिपोसाइट कहते हैं। उसी प्रकार रक्त को देखते हैं बच्चे, रक्त जो होता है रक्त में होता है ब्लड, ठीक है, या उसको लहू भी कहते हैं कई बार हम, तो वह क्या होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, कैसा होता है तरल संयोजी ऊतक, मतलब क्या हुआ जो ये हमारा ब्लड है इसमें क्या है ऊतक है ही, क्योंकि सेल अगर पाएंगी कुछ ज़्यादा उसमें सेल रहेंगे तो जाहिर सी बात ऊतक बनना ही है, तो उसी प्रकार हमारे ब्लड में क्या है सेल भी है, और जब सेल है तो टिश्यू ऑटोमेटिक है। उसी प्रकार देखें बच्चे रक्त जो हमारा बच्चे वो रक्त संयोजी ऊतक होता है, रक्त क्या होता है संयोजी ऊतक होता है, और क्या करता है इसमें O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और C6H12O6 यानी ग्लूकोज क्या करता है बच्चे परिवहन करता है, कौन ऊतक। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे ब्लड जो होता है इसमें टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 55% इसमें प्लाज्मा होता है बच्चे,
और 45% क्या होते हैं, सेल होते हैं यानी कोशिका होते हैं। जो 45% में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। अब अच्छी बात रही कि ये जो है ऊतक, ये पाए कहाँ जाते हैं, जोड़ वगैरह वाले, या शरीर के जोड़ में पाए जाते हैं, या कान के पिंडा में पाए जाते हैं, या जो है नाक पे पाए जाते हैं, इसी प्रकार कई स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ठीक है, इसके साथ ले लीजिए बच्चे, है।